था, हम लोग भी दिल बहुत खुशी था इसके लिए। भाजी बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद है। फिर मिलेगा, अपना भाई का गाड़ी भी लाएगा। ओके सर, बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। किलोमीटर 355, 390,000, 360,000, 380,000 हमने बनाई है, लेकिन वहाँ इतने मेंटेन करके उन्होंने सब रख, जो भी गाड़ी हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ की गाड़ी काफी चली होती है, लेकिन काफी इनोवा में। वेलकम बैक टू अवर चैनल सूरी मोटर्स वाशी नवी मुंबई एंड आई एम योर होस्ट सनी सूरी। 800 किलोमीटर तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद से हमारे कस्टमर जब अपना कीमती टाइम, डीजल, टोल देखकर हमारे पास आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से एक हाई हो जाती है उन्हें डिलीवर करने के लिए। आज हमारे पास तेलंगाना से 800 किलोमीटर से इनोवा जो कि टाइप 3 शेप में है, हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए आई है, रिस्टोरेशन के लिए आई है। कितना प्यार करते हैं लोग अपनी इनोवा को, आप सोच सकते हैं जब कोई कितनी दूर से हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए आता है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें जो पसंद आता है हमारा वीडियो, किस तरह से हमारे से बात करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है हम समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है जो कि वो हम उसे प्रोडक्ट दें, ये हमारा टीम वर्क है जो हम टाइम पर डिलीवर करते हैं। मैकेनिकली एपोस्ट्री वर्क, टॉप वर्क, एसी वर्क, मैकेनिकल वर्क, डेंटिंग वर्क, मैजिकल पेंट वर्क जो कि हम पेंटिंग बूथ में करते हैं। चलिए इनोवा के पास जो कि टाइप 3 शेप में है, जिसमें हमें हेडलाइट, हम प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, इस पर हमें फ्रंट बम्पर चेंज करना होगा, फॉग लाइट चेंज करनी होगी, शो ग्रिल चेंज करना होगा, फेंडर लाइनिंग भी चेंज करनी होगी। हो सकता है आगे जाके हम इसमें मैकव्हील डालें जो कि हमारा चालू है। प्लस इसमें हम डोर पट्टा टाइप 4 का इंस्टॉल करेंगे, मिरर विथ इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे, गार्नेज पट्टी भी न्यू इंस्टॉल करेंगे, डोर वाइजर करेंगे। अब हम रियर साइड में आते हैं। रियर साइड में हम आफ्टर मार्केट वाटरफॉल डिज़ाइन टेल लाइट चेंज करेंगे, रियर बम्पर चेंज करेंगे, टाइप 4 का टेल बेजल चेंज करेंगे, स्पॉइलर भी उनकी लाइट चली गई, न्यू स्पॉइलर इंस्टॉल करेंगे। वाटर प्रॉब्लम आता है, आप देख सकते हैं इसमें सीलेंट लगा हुआ है, हम ग्लास रिमूव करके प्रॉपरली जो लीकेज प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके ग्लास को इंस्टॉल करेंगे। स्कर्टिंग भी देख रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम इसे भी चेंज करेंगे क्योंकि प्रॉपरली शेप में नहीं है। अब हम इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हम इसमें भी एक न्यू थीम के साथ पूरा इंटीरियर फाइबर पेंट्स करेंगे, एम्बियंट लाइटिंग करेंगे, हाइड्रो डिपिंग करेंगे, स्टीयरिंग रैप, गियर बूट रैप, गियर नॉब, आर्म रेस्ट, एक इटालियन साका का सीट कवर, 70 मैटिंग, एक अच्छा इंटीरियर वर्क देखेंगे। टॉप भी हम इसमें चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं कार 8 सीटर में, लेकिन जो इनोवा का 7 सीटर में जो फील फैक्टर है, कस्टमर को भी 7 सीटर चाहिए था, इसमें हम 7 सीटर की ओरिजिनल टोयोटा की सीट डालेंगे। उसके लिए हमें फ्लोरिंग पे ऑल्टरेशन करना रहेगा, हम इस वीडियो में हमने पहले भी किया है लेकिन हम नहीं बता पाए। हम चाहेंगे कि इस टाइम आपको हम 7 सीटर किस तरह से हम चेंज करते हैं हम आपको दिखाएंगे। We'll be right back.
की है, कर्नाटका तेलंगाना से काफी गाड़ी आई है हमारे पास। हर गाड़ी का किलोमीटर 355, 3,90,000, 3,60,000, 3,80,000 हमने बनाई है, लेकिन वहाँ इतने मेंटेन करके उन्होंने सब रख, जो भी गाड़ी हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ की गाड़ी काफी चली होती है, लेकिन काफी इनोवा में इतना अच्छा फील आता है, और जिस तरह से मेंटेन की हुई है हर गाड़ी, हमें भी अच्छा लगता है बनाने को कि वो जो इस हिसाब से उन्होंने मेंटेन किए है, वाकई मैकेनिकली वर्क साउंड है, बॉडी वर्क भी इतना रस्टेड नहीं है जो हम यहाँ पर फेस करते हैं, मानना पड़ेगा जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ी मेंटेन करके रखी है। तेलंगाना 1300 किलोमीटर दूर से जो हमारे पास इनोवा आई थी, जिसे हमें फुल रिस्टोरेशन वर्क करना था, जिसमें हमें मैजिक जो ग्रे कलर था वही मैजिक पेंट करना था, जो हमने करके अब कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, क्योंकि हम इसे कस्टमर को आज ही रात को ही निकलना है तेलंगाना के लिए, हम डे में नहीं शूट कर पाए। आप नाइट का व्यू अच्छी तरह से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में भी आप हमारा पेंटिंग का ग्लोज है ये सब देखते थे तो बहुत प्यारा आपको लगता था, आप नाइट व्यू भी आप देख सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा जो हम इसे टाइप 4 में करने के लिए हम करते हैं, जो हमने इसमें जो कि सॉरी ये टाइप 3 थी गाड़ी, जिसमें हमने बोनट इसमें ऑलरेडी था, हमने फेंडर प्लस हेडलाइट, बम्पर, फॉग लैम्प DRL, फॉग लाइट, LED हेडलाइट के हैवी वोल्ट्स के बल्ब, फिर से मैं कहना चाहूँगा अल्फार्ड ग्रिल हमने इसमें इंस्टॉल की है, प्लस आप नंबर प्लेट भी देख सकते हैं जो हमने लाइट वाला इसमें इंस्टॉल किया है, काफी ब्यूटीफुल लुक आता है जो कि अल्फार्ड ग्रिल के साथ काफी मैच होता है। अब मैं साइडवेज में आना चाहूंगा, हमने इसमें बोथ साइड राइट लेफ्ट मिरर विद इंडिकेटर इंस्टॉल किया है, फुटरेस्ट भी आप देख सकते हैं सेंचुरी ब्रांड का हमने इसमें इंस्टॉल किया जो कि हर डिफरेंट लुक के साथ आते हैं हम, डोर पट्टा फुल क्रोम का हमने इसमें इंस्टॉल किया है, डोर गार्ड हैंडल क्रोम ओरिजिनल गार्नेस पट्टी जो कि टोयोटा की आती है जो एक बेहतरीन फिटिंग में आती है वो हमने इंस्टॉल किया है, डोर वाइजर क्रोम लाइन हमने इसमें इंस्टॉल किया है। अब हम बैक साइड में आना चाहेंगे और मैकविल का भी आप लुक्स देख सकते हैं, सिल्वर और ब्लैक टू टोन में हमने इसमें मैकविल में ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया है। रियर आफ्टर मार्केट टेल लाइट वाटरफॉल पैटर्न हमने इसमें इंस्टॉल किया है, स्पॉइलर हमने इसमें इंस्टॉल किया है, टाइप 4 की मैंडेटरी जो हमें टाइप 4 की पट्टी इंस्टॉल करनी पड़ती है वो हमने इंस्टॉल किया है,
प्लस हमने इसमें यू क्रोम इंस्टॉल किया है, रियर गार्ड जो क्रिस्टा में ओई में आता है, प्लस ये कोई फाइबर गार्ड नहीं है, ये है एबीएस गार्ड है जो कि फाइबर में आप काफ़ी मतलब सॉफ्ट होता है, अगर गाड़ी लगती भी है तो बाउंस बैक होता है, प्लस टूटता नहीं है, काफ़ी फाइबर गार्ड, जस्ट आपका टच होगा ना इमीडिएट टूट जाएगा, ये एबीएस गार्ड कहते हैं इसे, जो कि सेंचुरी ब्रांड में अवेलेबल है। जिस तरह से मैं मैजिक पेंट कहता हूँ उसी तरह से मैजिक इंटीरियर, आप इंटीरियर चेकआउट कर सकते हैं। मैं डोर से चालू करना चाहूँगा, इसमें भी हमने ऑल फाइबर्स हमने इसमें पेंट किया है, एलमंड एंड कॉफ़ी टू कलर्स में पेंट किया है, जो कि हमारा थीम आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि हमने डोर पैडिंग भी एलमंड विद कॉफ़ी स्टिचिंग में लिया गया है। आप हमारा हाइड्रो डिपिंग वर्क भी देख सकते हैं, कॉफ़ी और एलमंड में ही किया गया, जो कि इंटीरियर को मैच होता है। प्लस हमने इसमें इनर साइड आउटर साइड डैम्पिंग की है, प्लस कंपोनेंट स्पीकर्स JBL के GTO सीरीज और क्लब सीरीज के इंस्टॉल किए आप विद ट्यूटर्स, जो कि हाई एंड कंपोनेंट स्पीकर्स आते हैं। प्लस डैशबोर्ड ड्रायर, फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट लुक आप देख सकते हैं, हमने इसमें किस तरह से डैशबोर्ड के अपर जो मीटर के अपर पार्ट आता है उसमें एलिमेंट किया गया है, और जो बॉटम बॉर्डर है उसमें भी एलिमेंट किया गया है, और बाकी हमने कॉफ़ी किया गया है। स्टेयरिंग रैप का भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे एलिमेंट को ज़्यादा लिया, कॉफ़ी को हमने अपर साइड में रखा गया, एक ब्यूटीफुल लुक, किस तरह से फिटिंग स्टिचिंग या आप हमारे सूरी मोटर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमने क्लियर कट एकदम परफेक्ट काम आप देख सकते हैं। पिलर रैप भी आप हमने नए पैटर्न में लिया गया, आप पहले चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से हमने इसे पिलर रैप किया है। अब हम सीट कवर्स में आएंगे, सीट कवर्स की भी फिटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉफ़ी विद एलमंड और पाइपिंग दिया गया एक हल्का से डिफरेंट टच के लिए। प्लस टॉप का वर्क भी आप देख सकते हैं, हमने इसमें ब्लैक कलर का ओरिजिनल टॉप जो आता है वो इंस्टॉल किया, आप सीट्स टॉप की फिटिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी इसमें रिंकल्स वगैरह आते हैं, हमारे में क्लियर कट आपको एकदम बेस्ट फिटिंग का टॉप मिलेगा। प्लस मेन चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो गाड़ी आई थी हमारे पास 8 सीटर आई थी, कस्टमर का मन था उसे 7 सीटर करने का, 7 सीटर करने का भी एक तरीका होता है, हमने पूरा 8 सीटर का निकाला, उसे फ्लोरिंग को पहले से उसे ऑल्टर करना पड़ता है, वो हिसाब से हमने ऑल्टर करके एक परफेक्ट ओरिजिनल जो 7 सीटर आती है वो हमने 7 सीटर इंस्टॉल की है। सीट की वर्किंग भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं किस तरह से सीट आगे पीछे हो रही है, एकदम परफेक्ट फिटिंग, एक 7 सीटर को फ्लोरिंग में ऑल्टरेशन रहता है वो हर किसी की बस की बात नहीं है, किस तरह से क्लियर कट काम करना इनोवा में। प्लस हमने इसमें एक एक्स्ट्रा सीट भी इंस्टॉल किया है, जाकि आपको अगर फैमिली अगर बड़ी एक आधा बच्चा आप इजीली आप इसमें बिठा, जो आपका 8 सीटर और 7 सीटर का दोनों काम कंप्लीट करता है। 7 सीटर का लुक बेहतर है, बैठने का कंफर्ट अच्छा है, इसके लिए काफ़ी लोग 7 सीटर पे भी जाते हैं, और एक्स्ट्रा सीट एक टाइम बीइंग के लिए एक्स्ट्रा। आप मैटिंग पर आते हैं, मैटिंग का भी आप देख सकते हैं कॉफ़ी विथ एलमंड स्टिचिंग, जो कि हमारा थीम था, 70 मैट्स भी हमने कॉफ़ी और एलमंड स्टिचिंग में लिया गया, प्लस इसमें हमने वेलकम प्लेट्स भी कहते हैं इसे और स्कफ प्लेट्स भी कहते हैं वो इंस्टॉल किया है। अब मैं आना चाहूँगा एक्टिव लाइट, आप एक्टिव लाइट का देख सकते हैं किस तरह से हमने फिटिंग की है, किस नीट एंड क्लीन से और किस तरह से लुक आ रहा है इसको, आप कंटिन्यू आप 64 कलर्स में आता है, आप कंटिन्यू इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्लस म्यूजिक के हिसाब से भी ये वाइब्रेट होगा और म्यूजिक के हिसाब से भी ये सिंक्रोनाइज करके आपको एक अच्छा इंटीरियर लुक देगा, एक अच्छा प्लेजेंट अंदर फील कराएगा। We'll be right back.
जैसा मैंने आपको बताया था कि हम नाइट में शूट कर रहे हैं, दिन में नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कार के ओनर रेड्डी जी है। हेलो सर, नमस्कार। काफी अच्छा लगा आप 1300 किलोमीटर दूर से हमारे पास आए, आपने एक फोन किया और मेरे को नेक्स्ट दो दिन में आप निकलते हैं बोले और आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जो तरीका था काम का, हमें भरोसा देना और मुझे भी अंदर से लगा कि नहीं आपको कुछ करके देना है, बढ़िया करके देना है। तो आप कैसा लगा आपको काम हमारे? बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं YouTube में जाके देखे और पाजी को फोन किया था, फोन नंबर नहीं मिलके, तो पाजी को फोन करके पाजी के ऊपर भरोसा से मैं गाड़ी इधर छोड़ के गया था। 20-25 दिन में दिएगा बोला, अभी एक दो दिन का अंदर मेरा थोड़ा इमरजेंसी है बोल के, तो एक दो दिन का अंदर मैंने गाड़ी रेडी करके दे दिया था। बहुत अच्छा बनाया था, हम लोग भी दिल बहुत खुशी था। इसके लिए पाजी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। फिर मिलेगा, अपना भाई का गाड़ी भी लाएगा। बहुत अच्छा बनाया था, थैंक यू।